आम बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है और बजट के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उन्होंने बजट को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। बजट ने लोगों को मायूस किया, आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बजट पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने बजट को जुमला बताया है। किसान एग्रीकल्चर सेक्टर 60% एम्प्लॉयमेंट आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। पूरे एक साल से किसान, देश के किसान एमएसपी की मांग को लेकर, एमएसपी के खिलाफ बने कानूनों को लेकर सड़क पर रहे। पूरा देश में आंदोलन चला, दबाव में, किसानों के दबाव में आके सरकार ने कानून भी वापस लिए, लेकिन इस बजट में सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ी चपत लगाई है, किसानों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और मतलब मोदी जी की सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी का पैसा कम कर दिया, उनके जो एमएसपी का फायदा किसान उठाते हैं उनका टारगेट कम कर दिया, उनकी संख्या कम कर दी। मैं आपके सामने रखता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि इस साल धान और गेहूं की खरीद के लिए लक्ष्य 1286 मीट्रिक टन से घटाकर 1208 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मतलब गेहूं और धान की खरीद का लक्ष्य घटा दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन बहुत ही, मैं कहूंगा कि कठोर हृदय दिखाते हुए, बहुत ही सख्त लहजा दिखाते हुए बिल्कुल आंख फेर ली है पैंडेमिक के इस पूरे लर्निंग से। पैंडेमिक से केंद्र सरकार ने कोई लेसन नहीं लिया, पूरे के पूरे पैंडेमिक के अनुभव को और चारों तरफ से ये जो समझ बनी कि हेल्थ सेक्टर पे और पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार ने उसको कोई तरजीह नहीं दी। हेल्थ सेक्टर पे उन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, हेल्थ सेक्टर का बजट ज्यों का त्यों रखा उन्होंने। पूरे बजट में नई एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं की, नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें ये बड़ा शोर मचाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया नई एजुकेशन पॉलिसी लाके। नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को जीडीपी का 6% तक एजुकेशन बजट ले जाना पड़ेगा, तब ये पॉलिसी लागू हो सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम कर रही है एजुकेशन का पैसा। बेरोजगारी आज पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद की सबसे बड़ी समस्या है। पूरा देश देख रहा था कि शायद नए जॉब्स क्रिएट करने का कोई ऐसा फॉर्मूला निकल के आए, जॉब्स के मार्केट में जॉब्स कैसे बढ़ेंगे उसका कोई फॉर्मूला निकल के आए। इन्होंने केवल और केवल एक जुमला दिया है कि अगले 5 साल में हम 60 लाख जॉब्स देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.